है हमारे साथ भक्त चरण सर। सर 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 आपने कल चिराग पासवान को इंस्ट्रूमेंट बताया था, क्या लगता है वो मजबूत इंस्ट्रूमेंट है या गठजोड़ वाले? कल आपने चिराग पासवान को इंस्ट्रूमेंट बताया था, क्या लगता है? लॉन्ग पोटेंशियल नौजवान अगर अपना हिम्मत से वैचारिक दृष्टिकोण से काम करे तो पोटेंशियल बन सकता है। मैं पोटेंशियल किसकी बात कहा, मेरे पार्टी की पोटेंशियलिटी की बात नहीं कहा, मैं समाज के लिए वो पोटेंशियल बन सकते हैं यही बात कहा। क्या लगता है सत्ता में बैठे लोग अभी भी कमजोर करने वाली उंगली उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि कांग्रेस एकजुट है, आप इस चीज को खत्म करने की जगह पर आपको नीतीश जी का बयान है क्या? आपको किसने बयान दिया है, किसने कहा है, कौन जेडीयू का व्यक्ति है बोला है? इसमें कहीं हवा में है ये चीज? राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं। कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है? कौन? आरसीपी सिंह ने कहा है कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है और जो लोग हैं तो राजनीतिक बातें हैं और राजनीति हमारे खिलाफ बोल के राजनीति करना चाहते हैं, खिलाफ बोल के मेहनत तो किए नहीं, जनता को तो साथ दिए नहीं। आप लोग गरीब किस तरह से बिहार में पीड़ित हैं, कोविड में सरकारी सहायता नहीं पहुंचा रही, इसको आप लोग चला रहे हो? आप लोग इसको नहीं चला रहे हो, आप उनकी बातों को चलाना चाहते हो, आपको गुमराह कर रहे हो, आपको टीवी मीडिया को वो मिसलीड कर रहे हैं, इसके लिए ये बात चला रहे हैं, ये बात उठ रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सर क्या आप कहना चाहते हैं कि इस कोविड के पीरियड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों की मदद नहीं कर रही है? आपको आप बताइए किए हैं क्या? आपसे पूछता हूं मैं, आप नौजवान आदमी हो, बताओ किए हैं तो मैं हार मानूंगा, क्यों है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देश में सरकार होते हुए, राज्य में सरकार होते हुए क्यों कीड़ों मकोड़े तरह जनता मर रही है? कभी नहीं सवाल उठाया? इसको आप लोगों ने चलाइए, अगर दिल में दर्द है तो चलाइए। बेदर्द लोग बैठे हैं सत्ता में, हमने वो भी 20,000 अरे सुनो यार, बीस हजार करोड़ का सेंट्रल प्रोजेक्ट बन सकता है जब वैक्सीन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कहीं नहीं है, ऐसे चलेगा देश? बार बार राहुल जी बोल रहे हैं, बार बार सोनिया जी बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रहे हैं, इस बात को हम उठाने के अलावा, सड़क पर जाने के अलावा क्या कर सकते हैं हम? साथ हमारे साथ भक्त चरण दास थे। देखिए आज सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया था और कांग्रेस के सदाकत आश्रम में भक्त चरण दास खुद मौजूद थे और हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि चिराग पासवान को कल उन्होंने बिहार का एक इंस्ट्रूमेंट बताया था, सवाल ये था कि क्या बिहार में चिराग पासवान एक मजबूत इंस्ट्रूमेंट है या गठजोड़ वाले, उसका जवाब भक्त चरण दास दे रहे थे। और लगातार देखिए सदाकत आश्रम में आज सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया था जिसमें कोरोना से जो लोगों की मौतें हुई हैं उसको लेकर के अलग अलग धर्म के जो लोग थे वो मौजूद थे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसे तमाम सवाल थे चिराग पासवान को लेकर के जो भक्त चरण दास जिसका जवाब दे रहे थे। हालांकि जरूर नाराज दिखे क्योंकि कई ऐसे बयान सामने आए सत्ता में बैठे लोगों के कि क्या आप कहते हैं कांग्रेस मजबूत है, लेकिन कई सत्ता में बैठे लोग उंगली उठा रहे हैं कि कमजोर है कांग्रेस में, भक्त चरण दास नाराज दिखे हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, धन्यवाद।